जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा नौवीं गणित के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू की जा रही हैं और आपको पता है कि 16 मार्च को मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो बच्चों आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता का समाधान लेकर आ चुके हैं आपके प्यारे सर डिजिटल अकेडमी क्लासेस के सर, ठीक है। तो आप लोग जो सीरीज में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ उस सीरीज को आप कंटिन्यू देखिएगा। यकीन मानिएगा जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनका मैथ में 80 में से 80 अंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोग मेरी बातों को मानिएगा और जो भी बातें आपको बताऊंगा उसका अनुसरण कीजिएगा। गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका 80 में से 80 अंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता, बस आपको मेहनत करना होगा दिल लगाकर, ठीक बच्चों। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कोई रियल पेपर या फिर वायरल पेपर कुछ भी नहीं दे रहा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे अपने ऊपर 100% भरोसा है कि जो क्वेश्चन दूंगा 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि देखने को नहीं मिलेंगे तो आप लोग बिंदास आकर चैनल को अनसब्सक्राइब या फिर वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन यदि आपने देख लिया तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपका 80 में से 80 अंक आने से कोई भी रोक नहीं सकता, इस बात को आप लोग लिख कर रख लीजिए। देखिए बच्चों आपको पता होगा समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक बच्चों आपके 80 के रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग का जो पेपर पैटर्न है, आप लोग को यदि पेपर पैटर्न नहीं पता तो हमें एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आप लोगों को यानी कि पेपर किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। यदि आपको इस प्रकार से यानी कि वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। यकीन मानिएगा जो प्रश्न देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो -5 का गुणा करना -4 में। तो प्यारे बच्चों ये बताइए जब आप लोग माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। और 5 और 4 का गुणा करेंगे यार बच्चे बच्चे जानते हैं 5 और 4 का गुणा 20 होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सी आप में टिक कर देंगे। क्या -5 और 4 का गुणा करेंगे माइनस तो कितना जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। वर्ग की परिमाप बच्चों हमें बताइए, आपको वर्ग की परिमाप नहीं पता। वर्ग का देखो, वर्ग जो होता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे क्या होता है भुजा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 4 गुणे भुजा, तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे 4 गुणे भुजा लिखा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, यदि आपसे वहीं पर एक प्रश्न एक और पूछ लेता वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, क्या बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप बताते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई आपका, सॉरी भुजा का स्क्वायर कर दो सबसे अच्छा है, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई बात वही है, ठीक है, भुजा स्क्वायर कर दो सबसे अच्छा, ठीक है ना। अब देखो क्या है -6 + 21, बच्चों ध्यान दीजिए -6 + 21। अब बताइए -6 है, अब 21 में चला जाए कितना बचेगा, प्लस का 15 ना बचेगा, तो प्लस का 15 आप लोग कर दीजिए। देखिए चिन्ह का खेल मैथ में बहुत बड़ा है, यदि आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी और यहाँ पर प्लस माइनस का यानी कि अंतर कर दिया तो प्यारे बच्चों आपका नंबर कट जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए अर्धगोले का आयतन, बच्चों अर्धगोले का जो आयतन होता है ये प्रश्न आपसे कई बार पूछता है, बता दूं सूत्र आपको सूत्र पता होना चाहिए, जितने भी सूत्र उनको रट डालिए क्योंकि यकीन मानिए सूत्र से कम आपके जो 32 अंक के बहुविकल्पी आते हैं उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपको सूत्र वाले देखने को मिलेंगे। आपसे पूछ लेता है अर्धगोले का परिमाप, गोले का परिमाप, गोले का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, इस तरह प्रश्न यार कई बार रिपीट किया, तो सो दैट आपको क्या करना है लर्न कर लेना है सभी फार्मूलों को, ठीक है ना। और बताइए यदि आपको फार्मूला वाला वीडियो भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अर्धगोले का आयतन तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 2/3 πr³, क्या 2/3 πr³ आपका हो जाता है राइट आंसर, तो आप लोग इस प्रश्न का टिक कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, 1/2 + 1/2 जब आप इसे जोड़ते हैं, चलिए आपको मैं इसको रसगुल्ला वाली ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान ट्रिक यार। देखो क्या है 1/2 लिखिए उस प्लस में 1/2। अब प्यारे बच्चों जब आप लोग भिन्न का सवाल गुणा करें, जोड़ करें, घटाना करें, तो आप लोग पहले जोड़ और घटाना ध्यान दीजिए। नीचे वाली संख्या देखिए बराबर है क्या, देखिए बाबू नीचे वाली संख्या बराबर है तो आप लिख दीजिए 1, ऊपर वाले को जोड़ दो, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 ना बचेगा, तो 1 पर टिक कर दो। कहीं पर ऑप्शन में है क्या, देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या है 1 राइट आंसर है, ठीक है, तो आप लोग बी पर टिक कर दीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये 5 प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया है, यदि समझ में आ गया है तो यार एक लाइक तो बनता है ना। चलो आगे देखो फिर, सही जोड़ी हम नहीं कहते कि आप लाइक करें लेकिन आप लोग दिल लगाकर पढ़िए और पूरा मतलब जो भी बताया जाए आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। जो ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए यानी कि इमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर कॉलम दिए, मैंने बताया कि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका पेपर पैटर्न होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रायिकता यानी कि देखो PE यानी कि प्रायिकता की घटित होने की संभावना, उसके बाद प्रायिकता के ना घटित होने की संभावना का जो योग होता है बच्चों
एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो आप लोग इस पर इसे इस प्रश्न को यार माइंड में कर लीजिए कि जो प्रायिकता होती है एक बार जैसे घटित हुई और नहीं घटित हुई, दोनों को जो योग होता है ना बच्चों एक होता है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर से रिमाइंड कर लीजिएगा। देखो मैंने बोला था ना कि आपसे पूछ लेगा वर्ग का क्षेत्रफल, अभी ऊपर से वर्ग का परिमाप पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। इसलिए बोलता हूँ रट डालिए, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। हाँ देखिए काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा भुजा स्क्वायर। मतलब यार एक बात तो है, जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो आंसर को लिखते चले जाएंगे। देखिए हम नाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम लो, ऐसा काम नहीं करने वाले। अभी क्या, 3/4, 3/4, ये देखो इंटू में कितना दिया, 8। ये बताओ 4 को पढ़ा नहीं आता, आता है ना, 4 × 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पर 2 बच्चा 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 पर देखो ऑप्शन में है क्या, तो 6 ऑप्शन यहाँ पर देखो टिक कर दो, क्या 3/4 गुणे में क्या 8 है, जब आप सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, 6 पर आप लोग टिक कर दीजिए। देखिए फिर प्रश्न आपसे पूछ रहा है -12 प्लस को 8, तो -12 में से 8 जब घटाएंगे तो माइनस का 4 9 बचेगा, बिकॉज क्योंकि आप सभी को पता है जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो आप लोग इस पर यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। आई होप मुझे, यानी कि मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, बहुत ही आनंद आ रहा है। देखिए कितने सारे बच्चों ने लाइक भी कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया। देखो घनाभ का आयतन, बच्चों ध्यान दीजिए घनाभ का आयतन, यार कितने बच्चे हैं, मैंने अभी बताया कि आपको सूत्र आधारित कम से कम 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करिए, सूत्रों को रट डालिए। ठीक है, LBH मतलब देखो यहाँ पर LBH हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप कहो जाता है यार, राइट आंसर मतलब घनाभ का जो आयतन होता है यही होता है। अब थोड़ा देख लीजिए अगलो, आगे ध्यान दीजिए थोड़ा से, सही जोड़ी मिलाने वाले में आगे प्रश्न ध्यान दीजिए। यहाँ पर फिर सही जो, हम देखिए सही जोड़ी वाले ही बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। आप लोग कहीं भी मतलब सोचिए कि मत सर यार आप तो सही जोड़ी दिखाते चले जा रहे हैं और आप मुझे उस तरह प्रश्नों को रिक्त स्थान और जो जो प्रश्नों को नहीं दिखा रहे, तो समझिए बात को, हम लोग पहले सही जोड़ी की बात कर रहे हैं ना। चलिए देखिए सेक्शन है यानी कि कालमा कालम बार, ठीक है ना। देखो 40%, प्रतिशत का मतलब समझो, अगर कहीं भी प्रतिशत दिख जाए तो कुछ नहीं करना, प्रतिशत को जो चिन्ह होता है बाबू उसको हटाने के लिए 100 कर दो, बस आंसर मिल गया तुम्हारा। देखो आंसर मिला दूं मैं, चलो ट्रिक से बताता हूँ, ये 100 किए 40 है, 100 कर दूँ, देखो है क्या 40/100, सर जी है तो यहाँ पर, हाँ तो टिक करो ना यार, कहे लिए कन्फ्यूजन में हो तो टिक करो इसको खटाखट, यहाँ पर इसको टिक कर दो, ये वेरी गुड। अब त्रिभुज की परिमाप, बच्चों त्रिभुज का परिमाप देखो, मैंने कहा था कई बार बोल चुका रिपीट कर रहा हूँ, सूत्र पर आधारित बहुत प्रश्न आ रहे हैं। देखो त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, A+B+C, मतलब हमारा क्या तीनों भुजाओं का जो योग होता है हमारा परिमाप होता है। अब अच्छा आपसे कोई प्रश्न कर दे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अंतः कोणों का जो योग होता है कितना होता है, जो अंतः कोण होते हैं कितना होता है, 180 होता है ना, वेरी गुड। समकोण त्रिभुज कितने अंश का, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इस तरह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से प्रश्न यार जितने भी सब आपको रट लेना ना। चलिए आ जाइए, अब देखिए 36 × 1/3, देखिए 36 × कर रहा है 1/3, देखिए 3 × 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 12 निकल के आ गया बबुआ, तो 12 आप पर टिक कर दो, कहीं भी देखो 12 है क्या ऑप्शन में, तो आप लोग देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में ही 12 है, तो 12 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, घन का आयतन, बच्चों क्या घन का आयतन, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घन का आयतन होता है, जो भुजा होती है, भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब, हमने भुजा मान लिया ए, तो ए का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूब को मतलब उसको 3 बार कोई संख्या लिखे उसको 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे 2 का क्यूब पहुँच गए कितना बताएंगे, 8 बताएंगे ना, इसी प्रकार से। चलिए 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 मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, गर्दा उड़ाते रहो यार इसी प्रकार से। तो हो गया 7 - 7 + 12, अब कौन सा चिन्ह बड़ा है, 12 वाला, तो प्लस का चिन्ह आएगा, बताइए 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अरे 5 नहीं बचेगा, प्लस का 5 बचा दो, तो 5 आपका आंसर कर दो यार, यहाँ पर टिक कर दो। चलिए अगले प्रश्न को रहते हैं, सर थोड़ा स्पीड कराइए, हाँ रुकिए रुकिए यार, चिंता काहे कर रहे हो यार, स्पीड कराएंगे। सही जोड़ी बनाना है फिर से, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बच्चों अभी अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, दुई अकोष्टक में लिख रहे हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आप लोग इसे
कर दीजिएगा। एक बटे का दस, जब एक बटे का दस को आप भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.1, क्या 0.1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या है, तीन बटे का चार, तीन बटे का चार जब बच्चों आप लोग इसे करेंगे मतलब भाग देंगे तो कितना का है, 0.75 यानी कि 75। ओके, बाकी से 75 पढ़ते नहीं, दशमलव बाद जो अंक लिखे होते हैं उन्हें एक एक डिजिट बोला जाता है, ठीक है ना, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते। चलिए, माइनस टू का गुणा करना है तीन में, तो दो ताई छः, तो माइनस का छः यहाँ पर टिक कर दो यार, माइनस का छः आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो सर जी आगे बढ़िए, हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं, सर मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू भाई जिनको जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा कोशिश करें, देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना, कहते हैं ना कि ये देखो जब आग लगी होती है सीने में तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, और आपके अंदर आग लगाना है, जब आग लगा लोगे ना तो बहुत ही अच्छे अंक आएंगे, मतलब यार आग लगाने का मतलब नहीं कि माचिस जलाओ अपने अंदर अपने आप एक जला लो, आग लगाओ अंदर से आग लगाओ, मतलब किसी चीज़ के प्रति जुनून जगाओ, ठीक है कि मुझे इतने अंक लाना है तो लाना है, ठीक है ना। देखिए अगर आप नौवीं में अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो यार दसवीं में भी, एक महीने बाद दसवीं चालू हो जाएगा, और आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पर दसवीं के लिए ताबड़तोड़ क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि जब दसवीं तुम लोग पेपर दोगे सभी पेपर में हम लोग यकीन मानिए 80 में से 80 अंक लाओगे, क्योंकि हम लोग इसी चैनल पर आप लोगों के लिए भूकंप वाला सीरीज लाएंगे, ठीक है, भूकंप सब भूचाल लाते हैं, महाकाल लाते हैं, हम भूकंप वाला सीरीज लाएंगे, ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। देखिए क्या सही जोड़ी बनाना है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है, एक बड़े का चार प्लस एक बड़े का चार जब आप जोड़ेंगे तो क्या नीचे नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये वाले देखिए ऊपर जोड़ देंगे एक और दो हो जाएगा, काट दीजिए एक बड़े का दुई, तो एक बड़े का दुई ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है गर्दा उड़ा दो, एक बड़े दुई कहीं दिख रहा है ऑप्शन में गर्दा उड़ा देना यार, ये देखिए गर्दा उड़ गया सर जी। आगे देखिए वर्ग अंतराल 10 और 20 के मध्य मान, क्या वर्ग अंतराल, देखिए क्या है प्रश्न को समझिए, वर्ग अंतराल 10 और माइनस के बीच का मध्य मान आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों आप बताइए इसके मध्य मान आप नहीं बता पाएंगे, सर जी हमें पता है 15 होता है, तो 15 पर टिक कर दो यार। हीरोन का सूत्र, यार किस बच्चे को नहीं पता है, हीरोन में एस का सूत्र, एस जो होता है हमारा क्या होता है परिमाप होता है ना, वेरी गुड, तो हमारा क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सभी भुजाओं का योग बटे का तो यानी कि बटे का टू यानी कि दो यार। देखो कि यहाँ पर तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमारा क्या है, दुई बटे का तीन प्लस एक बटे का तीन नीचे वाली संख्या फिर बराबर ऊपर वाली जोड़ दो, तीन से तीन कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा एक बचेगा, सी ऑप्शन पर टिक कर दो। बेलन का आयतन, किस बच्चे को नहीं पता बेलन का आयतन, समझ लो रट डालो, बेलन का आयतन क्या होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बच्चों लिख लो, ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। चलिए आ जाइए छठे प्रश्न की ओर आ जाइए, यहाँ पर क्या है, माइनस चार का गुणा करना है पाँच में, तो पाँच चौको 20 लेकिन माइनस का 20, तो माइनस का 20 पर टिक कर दीजिए। वहीं पर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यार 360 होता है, किस बच्चे को नहीं पता, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, दुई बटे दस आप है लिखा यार, कितने छोटे छोटे प्रश्न है, दुई पंचे दस, एक बड़े का पाँच कहीं ऑप्शन में दिखित गर्दा उड़ा दो यार, एक बड़े का पाँच पर टिक कर दो। अब शंकु का आयतन, प्यारे बच्चों क्या शंकु का आयतन, यार मैंने कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है, शंकु का आयतन जो होता है एक बड़े का तीन पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या शंकु का जो आयतन होता है एक बड़े का तीन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या है, माइनस तीन का गुणा करना है, प्लस में जोड़ देना है माइनस दुई से, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़े कितना हो जाएगा, माइनस का पाँच हो जाएगा, तो ये पर आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए सर जी, अगले की ओर अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब अगले वीडियो लेक्चर में क्या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अभी हमने आपसे क्या बात किया, रिक्त स्थान से इतने प्रश्न, जितने प्रश्न हमने आपको बताया अगर इतने तैयार कर लेते हैं तो जो 6 क्वेश्चन आपके आते हैं रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले, तो आप लोग उन 6 प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो हमें उम्मीद नहीं बल्कि एक प्रकार से कहें तो बहुत भरोसा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई है। और यार देखो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, आप लोग को कक्षा 10वीं के मटेरियल पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे ही अप्रैल में आपका पेपर खत्म होगा, जैसे ही आपका पेपर सेशन खत्म होता है वैसे ही आपको तैयारी करने लगना है 10 के, क्योंकि आप लोग के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं टॉप करूंगा। देखिए हर एक बच्चा कमज़ोर स्टूडेंट हो चाहे पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, सबके अंदर एक जुनून होना चाहिए टॉप करने का, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग अपने अंदर एक हौसला बनाओगे कि मैं अच्छे अंक लाऊँ। देखिए अच्छे अंक लाने से कितने फ़ायदे होते हैं, आपका नाम होगा, अपने आपके माता पिताजी का नाम होगा, और यदि आप लोग हमें भी बता देंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, मेहनत करिए,
करिए। देखिए मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप लोग अपने जीवन में इतनी मेहनत करिए कि कभी पीछे मुड़ कर देखें तो आपको अफसोस ना हो कि हमने यार अपने टाइम को बर्बाद किया, यार मेहनत नहीं की, काश हम मेहनत कर लिए होते तो और आगे होते, इस तरह की बातें आपके दिमाग में ना आने पाएँ, इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करिए, ठीक है ना। तो यार कक्षा 9वीं की मैथ को तैयार कर लेंगे, 10वीं की मैथ में जाने में यार गर्दा उड़ा देंगे 10वीं की मैथ को, ठीक है। तो बच्चों यदि हमारी बातें आपको समझ में आई और जो भी हमने वीडियो में पढ़ाया आपको समझ में आया है यार, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो लाल कलर वाला बटन दिख रहा है उस पर तुम चाहे रियल पेपर फेंक के मारो चाहे वायरल पेपर फेंक के मारो, वो दब जाना चाहिए। और हाँ जो बेल आइकन जो घंटी वाला बटन है ना उसको इतना कस के दबा दो यार कि कभी भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत पहुँच जाए। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।